दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के अधिकांश राज्य ठंड की चपेट में है। वहीं शीतलहर और घने कोहरे ने लोगों की परेशानी को बढ़ा रखा है। ट्रेन और फ्लाइट्स पर कोहरे का असर देखा जा रहा है। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में कई जगह बारिश के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिला है। बारिश के बाद कई जगह जहां तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, तो वहीं दिल्ली में गुरुवार को चली ठंडी हवाओं से मौसम फिर से सर्द हो गया है। फरवरी में सर्दी ने 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फरवरी के पहले दिन अधिकतम तापमान 18.6 डिग्री दर्ज किया गया। इससे पहले साल 2012 में 1 फरवरी को तापमान में इतनी गिरावट दर्ज की गई थी। फिलहाल सर्दी और कोहरे से राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने कोहरे के साथ ही कई जगह बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अभी 3 और 4 फरवरी को दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है, जिसके बाद ठंड और कोहरा बढ़ सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो रही है। पिछले 2 दिन से शिमला, मनाली और उत्तराखंड के कई ऊंचाई वाले जिलों में जमकर बर्फबारी देखी गई। साथ ही कश्मीर के गुलमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। वहीं उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले 2 दिनों तक कोहरा छाए रहने की आशंका है। वहीं सर्दी और कोहरे के साथ ही बारिश ने किसानों के सामने संकट खड़ा कर दिया है। रबी की फसल को नुकसान की खबरें हैं। सबसे ज्यादा नुकसान आलू सरसों में देखा जा रहा है, तो वहीं ओले गिरने से गेहूं को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि कृषि विभाग की ओर से किसानों के लिए लगातार सलाह जारी की जा रही है, ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए किसान तक के साथ।